सत्ता का अहंकार बहुत बुरा होता है और हम ये बार बार देख रहे हैं। उत्तराखंड में अगर डोईवाला में पुलिस में जाकर कोई भाजपाई एक भाजपाई के खिलाफ ये कहता है क्योंकि ये सत्ता में बैठे लोगों के बहुत करीब है और इस वजह से इसने अति मचाई हुई है और ये सब रोका जाना चाहिए, और 5 लोगों के खिलाफ वो कंप्लेन देते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने अहंकारी लोग बैठे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और शिकायतकर्ता इस केस में, इनका नाम वैभव जिंदल है, सुन लीजिए कि क्या कहा इस व्यक्ति ने इस पूरे मैटर के ऊपर। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। एक आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लूँगा, हिमांशु चमोली का लड़का है, युवा मोर्चा का हमारा ये कार्यकर्ता है, प्रदेश मंत्री है शायद वो। उसने मुख्यमंत्री के नाम पे यहाँ पे वसूली का धंधा कर रहा, वो दलाली कर रहा पूरी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने आसपास न रहने दें, इसलिए न रहने दें कि वो मुख्यमंत्री को भी और सरकार को भी बदनाम कर रहा है। ऐसे लोग, हिमांशु चमोली जैसे लोग, ये दलाली कर रहे हैं, हर काम में जो है ये मुख्यमंत्री का नाम लेके दलाली करते हैं और दलाली खाते हैं, जो इनको दलाली देता नहीं है। कल की घटना है, उन्होंने जो है उसके साथियों ने, उसके साथ वो कुछ और भी साथी थे हिमांशु चमोली के साथ, उसने इस बच्चे पे पिस्टल तान दी। ये सिर्फ सत्ता की हनक के लिए, यहाँ कार्यकर्ता बहुत हैं, BJP के बहुत कार्यकर्ता, बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, लेकिन इस तरह का कोई काम करता नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर BJP अपने संरक्षण देती है, सरकार संरक्षण देती है, या BJP सरकार संरक्षण देती है, तो ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को अपने आसपास न रहने दें, बिल्कुल गलत काम करते हैं। बहुत शिकायतें हैं ऐसे ये इस आदमी की, ये हिमांशु चमोली जो है, बहुत शिकायतें हैं हरिद्वार से लेकर और काशीपुर तक। मैंने सुना है कि इसने दलाली के धंधे कर रखे हैं, दलाली वसूलता है ये। डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी गई कि कार्यवाही होनी चाहिए, बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे कोई कैसे भी है, गलत जो काम करता है उसकी उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। देखा आपने, ये आरोप जो लगाए हैं कि ये व्यक्ति भाजपा के नेताओं के करीब है, उसके बाद से इस व्यक्ति हिमांशु चमोली की तमाम तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया पे। अब इसमें क्या किया जाना चाहिए, क्या करा जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी को तय करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को तय करना चाहिए, इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए कि हमें करना क्या है। क्या आपके लोग इस तरह से गदर मचा के रखेंगे? उम्मीद कर रही हूँ कि कार्रवाई होगी। सिर्फ हम लोगों के ऊपर FIR करने से काफ़ी नहीं है, अपने लोगों को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR करिए। अरे, एक बच्चे के ऊपर FIR कर दी क्योंकि उसने एक मीम बना दिया। इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिस काम के लिए आपको बैठाया गया है, आप वो कार्य करें।